नमस्कार, मैं जिलेदार सिंह राजपूत, मालवन आर्ट्स कॉलेज। आज संधान के माध्यम से जो विषय निश्चित किया गया है वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, कवि, उपन्यासकार और दुनिया की तमाम घटनाओं को, खास करके भारत का जो इतिहास है, भारत का जो मिक्स कल्चर है, साझा संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, उसको मजबूत करने वाले ऐसे लेखक जिन्होंने बहुत सारी बातें अपने फिल्मों के माध्यम से भी की, ऐसे रचनाकार डॉक्टर राही मासूम रजा के ऊपर हमारा ये वक्तव्य आज का निश्चित हुआ है। हम आपके सामने पहले कुछ स्लाइड के माध्यम से उनके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। राही मासूम रजा, उनका जन्म 1927 में हुआ और उनकी मृत्यु 1993 में हुई। जन्म गंगौली गांव, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। पिता वशीर हसन आप्टी। उन्होंने हिंदी में कई उपन्यास लिखे जिसमें आधा गांव है, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, सीन 75 और कट्टा भी आरजू। उन्होंने वैसे तो वो फारसी लिपि में लिखा करते थे, हिंदी में उनकी उनके कविता संग्रह नहीं थे, लेकिन उनके एक बहुत ही खास मित्र थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उनके माध्यम से उन्होंने एक कविता संग्रह लिखा था हिंदी में, मैं एक फेरी वाला। जीवनी, एक उनकी जीवनी है, जैसा कि सबको मालूम है कि सन 1965 की लड़ाई जो हुई पाकिस्तान से, उसमें वीर अब्दुल हमीद का नाम बहुत ऊपर है। उनकी जीवनी के बारे में, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, वो उन्होंने लिखा। कई लेख, सामयिक लेख उनकी ज़िंदगी में, जैसी जैसी घटनाएं होती रहीं भारतीय राजनीति में, तो उनके कुछ लेख हैं, लगता है बेकार गए हम, और दूसरा है खुदा हाफिज़ कहने का मोड़। चूँकि उर्दू में भी वो लिखा करते थे, इसलिए उन्होंने उनके कुछ काव्य संग्रह हैं, जैसे नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्षेमय, अजनवी रास्ते। एक उन्होंने उर्दू था हिंदी में महाकाव्य लिखा है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। 1857 जो हमारा विप्लव रहा है, हमारी पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ हुई भारतीयों की, उसका विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। और उर्दू में एक नॉवेल है उनका, बहुत मशहूर नॉवेल है, मोहब्बत के सिवा। उनका अगर सामान्य परिचय दिया जाए तो इस तरह का है। 1 सितंबर 1927 को उनका जन्म हुआ गंगौली में, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा वहीं, बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही उर्दू साहित्य के भारतीय व्यक्तित्व पर PhD उन्होंने किया। और अध्ययन समाप्त करने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य से जीविकोपार्जन की शुरुआत। कई वर्षों तक उर्दू साहित्य पढ़ाते रहे, बाद में फिल्म लेखन के लिए बम्बई गए। जीने की जी तोड़ कोशिशें और आंशिक सफलता। फिल्मों में लिखने के साथ हिंदी उर्दू में समान रूप से लेखन, फिल्म लेखन
को बहुत से लेखकों की तरह घटिया काम नहीं बल्कि सेमी क्रिएटिव काम मानते रहे। बी आर चोपड़ा के निर्देशन में बने महत्वपूर्ण दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत के पटकथा और संवाद लेखक के रूप में प्रशंसित। ऐसे कवि कथाकार जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय है। हमारी आज़ादी के बाद हमारे देश में कुछ भाषाई झगड़े हुए थे जिसमें हिंदी उर्दू का झगड़ा बहुत मशहूर है। आज़ादी के तुरंत बाद ये झगड़ा शुरू हुआ था तो राही मासूम रजा ने इस झगड़े में शिरकत की थी और उन्होंने एक भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में सरदार अली जाफरी के साथ राही मासूम रजा भी थे। और आपको मैं बता दूं कि उस समय राही मासूम रजा बहुत फेमस नहीं हुए थे लेकिन उनकी ऐसी समझ थी कि उनको इस कमेटी में रखा गया था। तो उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी मशहूर बात कही है जिसको मैंने यहाँ कोट किया है कि वो कहते हैं कि मैं तो एक गालिब की तरह हिंदी का शायर और प्रेमचंद की तरह हिंदी का कथाकार हूँ। उर्दू केवल एक लिपि है और लिपि साहित्य का आधार नहीं होती, लिपि केवल एक वस्त्र है। भाषा भी मनुष्य ही की तरह कपड़े पहनकर पैदा नहीं होती। चोचले में माएँ बच्चों को फ्राक पहना दें तो बच्चे जात के अंग्रेज नहीं हो जाते। पर यदि आप यह नहीं मानते और लिपि ही को सब कुछ समझते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी को उर्दू का शायर मानिए, क्योंकि पद्मावत फारसी लिपि में लिखी गई थी। कुतुबन, ताज और उस्मान से भी हाथ धो लीजिए कि यह लोग भी देवनागरी में नहीं लिखते थे। आत्महत्या के कई आसान तरीके भी हैं तो हम गले में किसी लिपि का पत्थर बांधकर डूबने क्यों जाएं? मैं हिंदी का लेखक हूं और मैं अपनी हिंदी उर्दू लिपि में भी लिखता हूं और देवनागरी में भी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने पर दिनकर जी, मैं आपको हिंदी के एक गुमनाम साहित्यकार की हैसियत से बधाई देता हूं। हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े आज़ादी के बाद काफ़ी हो रहे हैं, होते रहे हैं। ये झगड़े बहुत ही तकलीफदायक होते हैं जब ऐसा होता है, क्योंकि हमारा देश, हमारे देश में तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म हैं, तमाम बोली भाषा खाना पीना कई तरह का भेद भी है लेकिन भेद होते हुए भी एक है। तो वो एक जगह वो बहुत खींचते हैं और खींच करके एक कविता उन्होंने लिखा है जिसका शीर्षक है गंगा और महादेव। वो कहते हैं, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरे उस कमरे की असमत लूटो जिसमें मेरी बयाजें जग रही हैं और मैं जिसमें तुलसी के रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से यह कहता हूँ, मेरा भी एक संदेशा है, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। लेकिन मेरी नस नस में गंगा का पानी दौड़ रहा है, मेरे लहू से चुल्लू भरकर महादेव के मुंह पर फेंको और उस जोगी से यह कह दो, महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो, यह मलेच्छ तुर्कों के बदन में गाढ़ा गर्म लहू बन बन कर दौड़ रही है। राही मासूम रजा ने एक महाकाव्य हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में उन्होंने लिखा था। यह जो महाकाव्य है वो क्रांति कथा के नाम से प्रसिद्ध है।
क्रांति कथा अंग्रेजों से पहली बार हिंदुस्तानी सिपाहियों के माध्यम से जो लड़ाई हुई, जिसमें सारा उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपरी तौर ऊपर से लेकर के नीचे तक सामान्य आदमियों तक जिस लड़ाई में लोगों ने शिरकत की थी, उस लड़ाई को महाकाव्य के रूप में राही मासूम रजा लिखते हैं। और उसमें एक बात वो कहते हैं कि हमने इस लड़ाई को क्यों लिखा। यह लड़ाई तो हार देने वाली लड़ाई थी, 1857 में हम लोग हार गए थे, लेकिन हार का वर्णन क्यों करना। हार, उनका ये कहना है कि कई बार वो कहा करते थे कि ये एक लड़ाई हार जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमेशा के लिए हार गए। वो लड़ाई जो 1857 में भारतीय हार गए थे, लेकिन उसके बाद किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के खिलाफ वह लड़ाई जारी थी। और लड़ाई जारी थी इसलिए हमको 1947 में सफलता मिली, यानी वो लड़ाई बंद नहीं हुई थी। इसलिए इस लड़ाई, इस क्रांति को बताना, भारत के लोगों को, अगली पीढ़ी को बताना ये ज़रूरी हो गया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने यह नज़्म चंद किताबों की मदद से अपने कमरे में बैठकर नहीं लिखी है, मैंने इस लड़ाई की शिरकत की है। मैंने जख्म लगाए हैं, मैं दरख्त पर लटकाया गया हूँ, मुझे मुर्दा समझकर गिद्धों ने नोचा है। मैंने उस बेबसी को महसूस किया है जब आदमी गिद्धों से और गीदड़ों से बचने के लिए अपना जिस्म नहीं हिला सकता, और जब आँखों से एक बेपनाह खौफ, बेपनाह बेबसी झलकने लगती है। मैंने उस खौफ को भी महसूस किया है जिसे तोप दम होने से पहले हिंदुस्तानी सिपाहियों ने किया होगा। मैंने उस दीवानगी के दिन गुजारे हैं जिसमें चंद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने किसी मकान में किला बंद होकर अंग्रेजों के लश्कर को रोकने का हौसला किया था। और अंत में राही मासूम रजा ने एक अपनी वसीयत लिखी थी। वसीयत उन्होंने देश के लिए लिखी थी, अपने परिवार के लिए लिखी थी कि मेरा फन तो मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों, मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा की गोदी में सुला देना, मगर शायद वतन से दूर मौत आए तो यह वसीयत है, अगर उस शहर में छोटी सी नदी भी बहती है तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर उससे कह देना कि यह गंगा का बेटा आज तेरे हवाले है। राही मासूम रजा दंगों से बहुत ही परेशान होते थे, और उनका बार बार कहना था कि दंगों में जो मेन भूमिका है वह धर्म गुरुओं की है। धर्म गुरुओं ने हिंदू मुस्लिम दोनों को अपने तरीके से बरगलाया है। इसलिए कर्फ्यू के शमशानी सन्नाटे में भी राही मासूम रजा शेख और ब्राह्मण का आना स्वीकार नहीं करते। वो एक कविता में लिखते हैं कि आज आवाज़ों की बस्ती में एक सहमी हुई खामोशी के जादू के सिवा कोई नहीं, मुझको राहों पर सिपाही नहीं अच्छे लगते, कोई आ जाए यहाँ, कोई आ जाए यहाँ शेखो ब्राह्मण के सिवा। अब आप देखिए उनके उनके जो उपन्यास हैं, उनके उपन्यास की ये तस्वीरें हैं, असंतोष के दिन, आधा गांव है, सीन 75 है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं ये करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं इस बेनमून लेखक को, जिसने महाभारत के
संवाद को अपने तरीके से। महाभारत बी आर चोपड़ा का जो महत्वपूर्ण दूरदर्शन धारावाहिक जो कई वर्षों तक भारत की संस्कृति और कल्चर को छोटे पर्दे पर दिखाया जाता रहा है, उसके जो संवाद लेखक हैं वे राही मासूम रजा हैं। उन्होंने अपने तरीके से अपनी सोच के तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐसी जगहों पर वे शामिल हो गए हैं, उसमें अंदर आ गए हैं और उन्होंने बहुत बेनमून चीज़ें महाभारत सीरियल के माध्यम से लोगों को बताया है। उनका एक और जो एक नॉवेल है नीम का पेड़, जिस पर भी धारावाहिक बन गया था और बहुत ही मशहूर धारावाहिक बना था नीम का पेड़, अगर आपने वो देखा हो। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी तरफ से इस कहानी में कहानी भी नहीं जोड़ सकता था, इसीलिए इस कहानी में आपको हदें भी दिखाई देंगी और सरहदें भी। नफ़रतों की आग में मोहब्बत के छींटे दिखाई देंगे, सपने दिखाई देंगे तो उनका टूटना भी, और इन सबके पीछे दिखाई देगी सियासत की काली स्याह दीवार, हिंदुस्तान की आज़ादी को जिसने निगल लिया, जिसने राज को कभी भी सुराज नहीं होने दिया, जिसे हम रोज झंडे और पहिए के पीछे ढूंढते रहे कि आखिर उनका निशान कहाँ है। गांव, मदरसा, खुद और लक्ष्मणपुर कत्ता महज दो गांव भर नहीं है, और अली जामीन खां और मुस्लिम मियां की अदावत बस दो खालाजात भाइयों की अदावत नहीं है। ये तो मुझे मुल्कों की अदावत की तरह दिखाई देती है, जिसमें कभी एक का पलड़ा झुकता दिखाई देता है तो कभी दूसरे का, और जिसमें न कोई हारता है न कोई जीतता है, बस बाकी रह जाता है नफ़रत का एक सिलसिला। मैं शुक्रगुजार हूँ उस नीम के पेड़ का जिसने मुल्क को टुकड़े होते हुए भी देखा और आज़ादी के सपनों को टूटते हुए भी देखा। उसका दर्द बस इतना है कि वह इन सब के बीच मोहब्बत और सुकून की तलाश करता फिर रहा है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि राही मासूम रजा हिंदी उर्दू में लिखने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी, खास करके पटकथा और संवाद में उनका नाम रहा है। भारत की जो प्रसिद्ध हिंदी फिल्में हैं उनमें उन्होंने ज़्यादातर करके संवाद उन्होंने लिखा है, तो गोलमाल आप देखे होंगे, फिर जो है मैं आवारा हूँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं तुलसी तेरे आंगन की जो जो पिक्चर है उसमें उन्होंने एक बेशिया के माध्यम से, हमारे यहाँ बेशियाओं की बड़ी ख़राब स्थिति है, उनको कोई सामाजिक दर्जा नहीं है, उनका ये कि ये समाज से बहिष्कृत हैं, लेकिन आप अगर पर्दे पर देखें तो पर्दे पर जब वो अपने डायलॉग बोलती है तो सारे दर्शकों का सिर नीचा हो जाता है, क्योंकि वैसी स्थिति में करने वाला कौन है, यही समाज है। मिली आपने पिक्चर देखी होगी, बहुत ही दर्द वाली पिक्चर है, और कोतवाल साहब आलाप और जीवनधारा, अगर आपने जीवनधारा फिल्म देखी होगी तो उसमें राही मासूम रजा हालांकि हिंदी फिल्मों में लेखकों को बहुत सारी छूट छाट नहीं होती है, निर्देशकों का बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है, निर्देशक उसमें बार बार आ जाते हैं और अपना मशवरा देने लगते हैं, लेकिन राही मासूम रजा को जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ वहाँ वो बैकफुट पर आ ही जाते हैं और फिर वो कुछ अपनी चीज़ें लिखते हैं। राही मासूम रजा ने इस पिक्चर में एक जगह बताया है
कि एक पिता है और उसके चार बच्चे हैं, दो बहनें हैं। बड़ी जो उनकी लड़की है वो रेखा है, जो फिल्म की नायिका है, नौकरी करती है एक जगह पढ़ लिख करके। और बाप जो है वो सन्यासी बन जाता है। घर में छोटी बहन है जो विधवा है, माँ है, छोटा भाई है, और उसका जो बाप है वो सन्यासी बनकर चला जाता है अपने कर्तव्यों को छोड़ करके। और एक दिन नायिका को पता चलता है कि कुछ हमारे घर में उत्सवी माहौल जैसा दिख रहा है, तो पूछती है तो पता चलता है कि आज मेरे पिताजी घर का हाल चाल लेने आने वाले हैं, और माँ है, मालपुए बना रही है और थाली सजा के और ले जा रही है उनके पास। तो नायिका जो है थाली छीन लेती है और कहती है कि ये थाली, ये भोजन निठल्लों के लिए नहीं है। यानी राय मासूम रजा, आज के तथाकथित साधु संन्यासियों, जिनकी संख्या आज हमारे देश में बहुत बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे लोगों को राही मासूम रजा बहुत पहले अपनी फिल्मों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने अपना कर्तव्य छोड़ करके और इस लाइन पर आ जाते हैं, इस दिशा में आ जाते हैं, देश के लिए कुछ वो करते नहीं हैं, तो उनका हमारे ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है। अब जो है हम उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना चाहते हैं। राही मासूम रजा जो हैं वो उन्होंने अपने राइटिंग के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया है कि उनका जो लेखन है हिंदी और उर्दू दोनों में, एक तो उनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हो चुका है, द फ्यूडिंग फैमिली ऑफ गंगोली, उस उपन्यास में उन्होंने भारत की मिलीजुली संस्कृति, मिला जुला कल्चर, और ख़ास करके हमारे देश में जो जमींदारी प्रथा थी आज़ादी के पहले, किस तरह से जमींदार लोग सामान्य जनता को पीसते थे, परेशान करते थे, कर वसूली करते थे और अपने मौज मस्ती में रहते थे, और उनके मातहत जो लोग थे वो परेशान थे। उस उपन्यास में उन्होंने आज़ादी की पूरी लड़ाई, और उस आज़ादी की पूरी लड़ाई में एक पाकिस्तान जो भारत देश का एक टुकड़ा है, पाकिस्तान बनने की पूरी प्रक्रिया को दिखाते हैं, खास करके मुसलमानों की जो सोच है आज़ादी के पहले वाली सोच, जिसमें जो बड़े जमींदार हैं, बड़े जमींदार, जब जमींदारों को ये पता नहीं था कि आज़ादी के बाद हमें हमारी जमींदारी छिन जाएगी, इसीलिए जब हमारे देश में सरकारी तौर पर मुसलमानों को हक दिया गया कि वो पाकिस्तान के संबंध में अपनी राय दें कि पाकिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, उस समय वोट देने का अधिकार, राय जानने का अधिकार केवल 8% लोगों को ही दिया गया था। सामान्य मुस्लिम परिवारों से ये नहीं पूछा गया था कि पाकिस्तान बने कि न बने, और वो जमींदार लोग जो कि वोटर थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनने की राय दी और पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनने के बाद देश भी आज़ाद हो गया, और देश आज़ाद होने के बाद जमींदारी छीन ली गई, तब जो जमींदार मुसलमानों की स्थिति में जो टूटन आई, जो वो विवल हुए, विचलित हुए,
गरीबी उनके घर में घुस गई, तब उनकी बातें बिल्कुल बदल गईं। आधा गांव के माध्यम से राय मासूम रजा ने बहुत सारी स्थितियों का वर्णन किया है। खास करके उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया है कि भारत विभाजन किन स्थितियों में हुआ और क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्या थी, एक नए देश की क्या ज़रूरत थी, हमारा देश क्या मुसलमानों के लिए कोई खतरा था। वो कहते हैं, एक जगह उन्होंने किया है कि आधा गांव के संबंध में ही उन्होंने कहा है कि आधा गांव, यह आधा गांव मैंने अपने पूरे दोस्त कुंवरपाल सिंह को भेंट किया, फिर मैंने टोपी शुक्ला की कहानी लिखी, क्योंकि आधा गांव लिखते समय यह देखा कि बलभद्र नारायण और जगमी हैदर एक दूसरे से बिछुड़कर अधूरे रह गए हैं। बात फिर भी साफ नहीं हुई, हमने टोपी शुक्ला इफ्फन को हिम्मत जौनपुरी बनाकर देखने की कोशिश की, किंतु वह समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान क्यों बना, और यही सबसे जरूरी सवाल था। ओस की बूंद में मैंने कुंवर वजीर हसन सिंह की दीवार से जिन्ना साहब की तस्वीर उतारी तो यह दिखाई दिया कि जहां तस्वीर टंगी हुई थी वहां दीवार पर इतिहास का रंग हल्का था, एक धब्बा सा नजर आ रहा है। मैं जानता हूं कि कुंवर वजीर हसन सिंह की दीवार एक दीवार नहीं, वह बहुत से लोगों का दिल भी है। अब ये कोई भी लेखक, घर टूटता है, समाज टूटता है, परिवार टूटता है, तो उससे तो विचलित होना स्वाभाविक बात है, लेकिन जब कोई देश टूटता है और देश केवल दो चार लोगों की अपनी चीज़ों के लिए टूटता है, अपने मकसद के लिए टूटता है, और दो चार लोग पूरी कौम को, पूरे राष्ट्र को अगर बेवकूफ़ बना करके और अपना काम सीधा करना चाहते हैं, तब कोई भी जो संजीदा आदमी होगा, जो संवेदनशील आदमी होगा, उसको तकलीफ होगी ही होगी। उस ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें चली, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ ज़िला है, उसके उनके छात्रों के माध्यम से उस ज़माने में 1936 के बाद, कि उसमें ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन लोगों को बताई गई कि डर समा जाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ ये बात फैलाई गई कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तब मुसलमानों को हिंदू लोग यहाँ रहने नहीं देंगे, उनकी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हमको एक इस्लामी कल्चर वाली संस्कृति वाली एक ऐसा, मुझे एक ऐसा देश चाहिए जिसमें हम आराम से अपनी नमाज पढ़ सकें, मस्जिद बना सकें, अपने कल्चर को विकसित कर सकें, ऐसी चीज़ की ज़रूरत उन दिनों उस यूनिवर्सिटी में बताई गई, कहा गया ऐसा। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक जगह राय मासूम रजा ने लिखा है कि उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वो एक ज़मींदार भी थे, तो उन्होंने ये कहा था, देश आज़ाद होने के साथ साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने ये लिखा था कि ऐसा कुछ किया जाए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान में मानी जाए, पाकिस्तान में रहे, और पाकिस्तान से यानी पूर्वी पाकिस्तान, आज जो बांग्लादेश है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में उन्होंने आज़ाद करवा दिया था, तो वो जो पाकिस्तान से जो रास्ता जाए पूर्वी पाकिस्तान को, अलीगढ़ हो करके जाए,
तो आप ये समझिए कि किस कदर से उस ज़माने में एक देश के प्रति, एक पाकिस्तान देश के प्रति किस तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों की निष्ठा, राय मासूम रजा बताते हैं कि ऐसे ऐसे निष्ठावान जो कि समाज के बहुत ही उच्च वर्ग के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो उनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति इस तरह की थी। तो राय मासूम रजा जगह जगह दुखी होते हैं और उन्होंने आधा गांव के माध्यम से ये कहा है कि पाकिस्तान बने या न बने, उन्होंने एक जगह आधा गांव के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये जो गंगौली के लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, गंगौली उनका गांव है, चूंकि उपन्यास इसलिए अच्छा बन पड़ा है कि राही मासूम रजा का भोगा हुआ ये दुख है। जब कोई राइटर भोगे हुए दुख का वर्णन करता है तब वह ज़्यादा तथ्य परक होता है, ज़्यादा संवेदना को बढ़ाने वाला होता है, पाठक उससे अभिभूत होता है। उनका कहना, वो उन्होंने कहा है एक जगह कि इन लोगों के लिए पाकिस्तान का बनना या न बनना बेमानी था, लेकिन जमींदारी के खात्मे ने इनकी शख्सियतों की बुनियादें हिला दी। वे घरों से निकले और जब घर ही छूट गया तो गाजीपुर और कराची में क्या फ़र्क है। यह दर्द पूरे गंगौली के जमींदारों की है, वे समझ ही नहीं पाते कि उनके दुख का कारण पाकिस्तान है। जमींदारी उन्मूलन में से हकीम साहब कहते हैं कि एक ठो बेटा रहा वो पाकिस्तान चला गया, एक ठो जमींदारी रही ओहू को समझो कि पाकिस्तान चली गई। अरे जौन चीज हमारे पास न है वो हमारी नहीं है। राही यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब पाकिस्तान चली गई। हम सबको पता है कि 14 अगस्त सन 1947 को जब आधी रात को जब ऐलान कर दिया गया कि आज से पाकिस्तान का निर्माण हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना उसके राष्ट्रपति बनाए गए, और उसी दिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों ने रातों रात यहाँ से अपना घर बार छोड़ करके जो कुछ भी हो सका ले करके और पाकिस्तान चले गए। और उसी दिन तमाम हिंदू जो पाकिस्तानी हिंदू थे वे भारत की तरफ आने का प्रयास किए। आप जानते हैं कि एक तरफ हमारा तिरंगा लहर रहा था और दूसरी तरफ समझौता एक्सप्रेस, यानी जो पाकिस्ताने कराची ट्रेन जाती थी और ट्रेन वहाँ से जो ट्रेन आती थी, तो कहा जाता है कि उसमें जीवित आदमी नहीं आ रहे थे, इधर से लाशें जा रही थीं और उधर से भी उस ट्रेन में लाशें आ रही थीं, और महात्मा गांधी उस समय बहुत विचलित थे। तो उन्होंने आज़ादी के बाद जो एक नया असंतोष हमारे देश में आया है, वो असंतोष कुछ लोगों के माध्यम से आया है। जो हिंदू समझ वाली पार्टियां हैं, आरएसएस है, हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू सभा है, तमाम, उनका ये कहना है कि जब मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया तो भारत देश में उनका क्या हक है। जब उन्होंने अपना देश बनाया तो यहां रहने का क्या सवाल है। वहीं मुसलमान जो आगेवान है उनका कहना है कि भाई उस समय जो राय मांगी गई थी वो हमें में से 8% लोगों से ही मानी गई थी, 92% लोगों से तो कहा ही नहीं गया कि तुम क्या चाहते हो।
और उन 8% लोगों ने अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया और पाकिस्तान बन गया, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो क्या किया है? राही मासूम रजा कहते हैं कि उस समय की जो पद्धति थी वो पद्धति ही ठीक नहीं थी, और राय शुमारी, किसी की राय लेना, ये गलत है। आज अगर भारत के जो अपने 36 राज्य हैं, इन राज्यों में से अगर राय शुमारी करी जाए कि तुम हिंदुस्तान में रहोगे कि नहीं रहोगे, ये कौन सा तरीका है कि किसी देश में पूछा जाए कि तुम हिंदुस्तान में रहोगे कि पाकिस्तान में रहोगे? ये तरीका ही गलत था उस समय। ऐसा करना भारत के लिए हितावह नहीं हुआ। और आज जो हमारे देश में जो समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। राय मासूम रजा कहते हैं कि ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक देश है, और वो देश जो हमारे खिलाफ हमेशा शैतानी करता है। चार बार लड़ाइयां हो चुकी हैं, वो एक टैंक खरीदता है, हमको 25 टैंक खरीदना पड़ता है। हमारे भारत का जो पैसा है, हमारे भारत की जो प्रॉपर्टी है, हमारे भारत की जो आय है, वो काफ़ी मात्रा में पाकिस्तान की शैतानी के कारण हमको खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। और दूसरी बात कि हम पाकिस्तान से डरते नहीं हैं, पाकिस्तान हमको निगल नहीं सकता, कभी नहीं निगल सकता है, लेकिन हमको सजाग तो रहना है, हमको सचेत तो रहना है। सचेत नहीं रहेंगे तो अंग्रेज कितने थे, इंग्लैंड कितना बड़ा देश है, तो इंग्लैंड के लोग हमको नहीं निगल गए, इसलिए हमको सचेत रहना है, हमको तैयार रहना है। और उस तैयार रहने में हमको बहुत सारी ताकत लगानी होती है और लगानी होगी। इसलिए अगर ऐसा हो गया है तो हमको इस ऐसे लोगों से जो हमारे देश की आज जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम उनको अगर बार बार कहेंगे कि तुम लोग विदेशी हो, तुम विदेश वाले हो, पाकिस्तान वाले हो, तो ये ठीक नहीं है। ये कहना, अपने ही घर में अगर कुछ लोगों को ये कहा जाए अपने ही परिवार में कि तुम इस परिवार में के नहीं हो, तुम बाहर के हो, तुम्हारी सोच बाहर की है, तो उस परिवार में टूटन हो सकती है, विध्वंस हो सकता है। इसलिए राही मासूम रजा बार बार टोकते हैं ऐसे लोगों को कि भाई तुम ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो तुम। वो एक जगह कहते हैं कि मैं और मुझ जैसे लोग आरएसएस से नहीं डरते, क्योंकि आरएसएस से लड़ने के लिए तो पूरा समुदाय हमारे साथ है। मैं शिवसेना से नहीं डरता, क्योंकि पूरा सेकुलर मराठी समुदाय मेरे साथ है। पर इन शहाबुद्दीन ZR अंसारियों, मौलाना बुखारियों से तो हमें अकेले लड़ना है। इस लड़ाई में राजनीति हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वोट तो शहाबुद्दीन और बुखारियों के पास है, और इसलिए मुझ जैसे 150 वोट पाने के लिए किसी हाथ या पक्ष की राजनीति 16-17 करोड़ मुसलमानों के वोट नहीं छोड़ सकती। यही तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ इंसानों को गिना जाता है। राही की बेचैनी उपरोक्त कथन से देखी जा सकती है। उन्होंने एक जगह और कहा है कि देश का बंटवारा क्या हुआ, मनुष्य के इतिहास में संस्कृति शायद पहली बार धर्म के आधार पर बांटी गई। चिनाब का पानी कहीं हिंदू है कहीं मुसलमान। अंग्रेजों के जमाने में चाय तो हिंदू मुसलमान हुआ करती थी, परंतु दरियाओं का पानी अंग्रेजों के जाने के बाद मुसलमान हुआ। यह बात बहुत परेशान करने वाली थी। एक हिंदुस्तानी के नाते
मैं यह नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान वास्तव में हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। यह बात हमारे इतिहास में लिखी जाएगी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। अपने इतिहास की इसी उलझन को सुलझाने के लिए मैंने लिखा अपना उपन्यास। राही मासूम रजा, गंगौली के जमींदारों के माध्यम से जमींदारी छिन जाने के बाद उनकी पायमाल आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो ये जो बात है राही मासूम रजा की कि बंटवारा कैसे हुआ, बंटवारा जो है उस समय ऐसा हुआ कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पाकिस्तान बनेगा, जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ हिंदुस्तान बनेगा। तो आप समझो देश का जो पश्चिमोत्तर भाग था वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे तो मुसलमान देश बना पाकिस्तान। देश के पूर्वी भाग यानी जिसको आप आज बांग्लादेश कहते हो, पश्चिमी बंगाल, आज हमारा बंगाल का एक छोटा सा टुकड़ा अभी भी हमारे पास है, उसका आधा भाग कट करके बांग्लादेश बना। 1971 के पहले उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। अब आप समझिए कि कैसी बात हुई थी उस ज़माने में कि बीच में हिंदुस्तान और दोनों तरफ पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान की जहाज़ें पूर्वी पाकिस्तान जब जाती थी तो हमारे देश के ऊपर से होके के जाती थी। अब ये कैसा बंटवारा कि कहीं राय मासूम रजा कहते हैं कि नदियां भी बटी, समुद्र भी बटे और वो धर्म के आधार पर बटे। तो ऐसा बंटवारा दुनिया में कहीं देखा नहीं जाता है कि जिस तरह से भारत के बंटवारे को लेकर के, और इस तरह की बात कि अंग्रेज़ लोग जब थे हमारे देश में तो कहा जाता है कि चाय और खाना भी हिंदू और मुसलमान हुआ करती थी। इस तरह से उन्होंने उस ज़माने में ऐसा जहर बो दिया था हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच में। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जिनको हम सांप्रदायिक शक्तियाँ कहते हैं, जो आज़ादी के बाद से ही तोड़फोड़ कर रही हैं, वो हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। दोनों चीज़ें हमारे देश को कमज़ोर कर रही हैं, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो और चाहे वो मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, दोनों से ही देश विचलित होता है, टूटता है, कमज़ोर होता है। आज हमको बाहरी शक्तियों से, ये कहा जाता है आम जिंदगी में कि बाहरी शक्तियों से तो हम लड़ सकते हैं लेकिन आंतरिक शक्तियों से लड़ना बड़ा कठिन काम है। इसलिए जब लड़ाई अंदर और बाहर दोनों होती है तब उसमें कोई भी देश हो उसको संभलना काफ़ी कठिन काम होता है। जिन देशों में ये सब चीज़ें नहीं हैं, आपसी वैमनस्य नहीं है, राही मासूम रजा का कहना है कि ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान के नहीं हैं, इसी देश के लोग किसी न किसी कारण से इस्लाम धर्म स्वीकार किए। हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद, इस्लाम धर्म में पहुँचने के बाद उनका भ्रम टूटा है, क्योंकि हिंदी के प्रसिद्ध राइटर एक दूसरे अब्दुल बिस्मिल्ला नाम के एक बहुत बड़े राइटर हैं जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे देश की जो निम्न जातियां थीं, जो दलित थे, तो बहुत सारी संख्या में उन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया एक ज़माने में, क्योंकि हिंदू धर्म में उनको वो चीज़ नहीं मिलती थी जो उनको चाहिए थी। मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था,
छुआछूत का प्रचलन था उस ज़माने में, दलित भावना थी लोगों के अंदर। इसलिए उनको जब पता चला कि इस्लाम में भाईचारा होता है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो उन्होंने उसमें जाने का इरादा बनाया और बहुत सारा धर्म परिवर्तन उस ज़माने में हुआ, मध्यकाल में। लेकिन उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये लिखा है, अब्दुल बिस्मिल्लाह उनके लेखन के बारे में कहते हैं, और जो बदलाव धर्म परिवर्तन की जो बात है हिंदुस्तान में, जो तमाम हिंदू दलित निम्न जातियों के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तो उनका नतीजा क्या हुआ, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह उस बारे में काम को बताते हैं कि हाँ लेकिन नहीं हुआ, इसी लालच में तो वे बेचारे मुसलमान हुए। उनको यह बताया गया कि इस्लाम में ऊंच नीच छुआछूत नहीं है, इक्वलिटी है, मसावत है। इसने उन्हें उत्प्रेरित किया, हमारे अपने समाज में अपना तो कोई स्थान नहीं है, तो चलो ऐसे समाज में चलकर रहो। लेकिन वहां पर भी उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जानते हैं कि हिंदुओं की तर्ज पर ही मुसलमानों, जैसे हिंदुओं की तर्ज पर जातियां हैं हमारे यहाँ, जैसे हिंदुओं में जातियां हैं ऊंच नीच, वैसे ही मुसलमानों में भी हैं। तो मुस्लिम समाज हिंदुस्तानी हिंदुओं की समाज के तर्ज पर बना हुआ है, वहाँ भी छुआछूत है, वहाँ भी ऊंच नीच है, वहाँ भी रोटी बेटी व्यवहार में फ़र्क है। रोटी बेटी का व्यवहार सबके साथ नहीं है, रोटी का मान लो हो, लेकिन बेटी का व्यवहार तो नहीं ही है। तो जो लोग निम्न जातियों से मुसलमान बने थे लोग, इस्लाम धर्म जिन्होंने स्वीकार किया था, उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि तमाम निम्न जातियों के मुसलमान आज जिनको सरकार आरक्षण देने की बात कर रही है, तो वो चीज़ें जैसे हिंदुओं में हैं वैसे मुसलमानों में भी हैं। जो स्थिति समाज में रामचंद्र नाऊ की थी, वही स्थिति रहमान हज्जाम की थी। जैसे वह ठाकुर साहब के साथ पलंग पर नहीं बैठ सकता था, वैसे ही हज्जाम भी खां साहब की बगल में नहीं बैठ सकता था। इस तरह इनका वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मुस्लिम समाज का गठन बिल्कुल हिंदू समाज की तर्ज पर हुआ है। अब जो है राही मासूम रजा अपने वक्तव्यों में, भले वो फिल्म लेखन किया करते थे बाद में, उनकी ज़िंदगी के संबंध में आपको थोड़ा समय थोड़ा सा डिटेल में कहूँ कि राही मासूम रजा चार भाई थे। सबसे बड़े भाई डॉक्टर मुनीस रजा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होकर रिटायर हुए। उसके बाद राही मासूम रजा, मेहंदी रजा, ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और चारों के चारों भाई कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चारों भाई प्रोफेसर थे, लेकिन राही मासूम रजा जो थे वो उनकी जो विचारधारा थी वो मुस्लिम लीग के बिल्कुल खिलाफ थी, इसलिए, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लीगों का प्रभाव बहुत पहले से ही रहा, इसलिए मुस्लिम लीगों ने इन चारों भाइयों को उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। तो उनके जो तीन भाई थे तो जगह जगह उन्होंने नौकरी ले ली, लेकिन राही मासूम रजा चूँकि लेखन में बहुत आगे थे, और एक मित्र की सहायता से वो मुंबई आ गए और उन्होंने फिल्मों में लिखना शुरू किया। उन्होंने फिल्मों में लिखा, और फिल्मों में उन्होंने जो लेखन में उनका रह गया था हिंदी उर्दू लेखन में, उसको उन्होंने फिल्मों के माध्यम से उन्होंने पूरा किया। उनका यह कहना था कि हिंदी फिल्में
हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षण में भी इनको पाठ्यक्रमों में रखना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, उदाहरण उन्होंने शोले पिक्चर का दिया है। शोले, शोले हम सब ने देखी है कि उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ जो है डाकू काट लेता है गब्बर सिंह। तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो FIR पुलिस में नहीं लिखाता, क्योंकि वो जानता है कि हमारे देश की जो पुलिस है वो निकम्मी है, बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकती है, लूट का माल खाती है। तो वहीं पर दो ऐसे सामान्य लड़के जो अपनी ताकत से, अपने बल से गब्बर सिंह को परास्त करते हैं, यानी जो काम पुलिस नहीं कर सकती है वो काम हमारे ही समाज के नौजवान लोग अगर चाहें, अगर उधार लें तो वो काम कर सकते हैं। गब्बर सिंह पूरे क्षेत्र को परेशान करता है, बहुत ही परेशान करता है। और पुलिस को, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी पुलिस घटना बनने के बाद ही दिखती है, तो उसमें ये बता उन्होंने कि अगर हमारे देश के नौजवान अगर ये धार लें, ये चाह लें, तो बहुत बड़ा कल्याण हमारा हो सकता है। इसलिए ऐसी फिल्में, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का नाम भी लिया था उस ज़माने में, जागते रहो, बूट पॉलिश, दो बीघा जमीन, औरत, मदर इंडिया, पाकिजा, उमराव जान, उसकी रोटी, गमन आगमन, अल्बर्ट पिंटो, अंकुर, आक्रोश, पार, दामुल वगैरह पिक्चरों का उन्होंने नाम लिया था कि कहीं न कहीं हमारी संवेदना को जगाने के लिए ये फिल्में, भले ही हिंदी फिल्मों को लोग हंसे पर रख रहे हों, खराब बताते हों, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक स्थिति के तौर पर ये कहीं न कहीं समाज को जगाने वाली होती हैं, समाज को जगा सकती हैं। बस हमको पहचानने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को पाठ्यक्रम में रखा जाए। तो अंग्रेजी वालों ने तो काफ़ी मतलब इन चीज़ों पर विचार करके और उन्होंने इनको अपनाया है। हमारे हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी के पाठ्यक्रम में भी अगर ये चीज़ समझी सोची जाए और चलाई जाए तो बहुत अच्छा है। हमारा वक्तव्य यहीं पूरा होता है। नमस्कार।